अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी एसडी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूंगी चिकन फ्रैंक्स की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं फिर इसे बनाने के लिए। तो मेरे पास अमेरिकाना क्वालिटी के ये फ्रैंक्स हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसे 10 से 20 मिनट के लिए पानी में डालकर रख देंगे। तो मैंने फ्रैंक्स को पानी से निकाल लिया है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें ऐड करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, ग्रीन चिलीज, 1 चॉप की हुई अनियन एंड गरम मसाला है। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। हमें चिकन फ्रैंक्स को इनमें फ्राई करना है। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब फ्रैंक्स को डालकर फ्राई करेंगे। फ्रैंक्स फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब 1 टीस्पून ऑयल में गरम मसाले को ऐड कर देंगे। गरम मसाला फ्राई हो रहा है, अब इसमें चॉपी हुई अनियन ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करके फ्राई करेंगे। हमारी अनियन लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। इसे भी मिक्स करके अच्छे से फ्राई करें। उसके बाद जीरा गार्लिक पेस्ट ऐड करके एंड टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दें। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और फ्राई करें। तो हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इनको मिक्स कर लें और मसाले को फ्राई करें। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, अब इसमें चिकन फ्रैंक्स को ऐड कर दें। उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा चिकन फ्रैंक्स बनकर तैयार है, अब इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।